लगता है दीक्षा, मतलब मैंने लोगों की बहुत हेल्प की थी, लेकिन जब मेरा टाइम आया ना तो किसी ने हेल्प नहीं करी। दी कोई बात नहीं, अब हम दोनों बहनें हैं ना, आप मेरा हेल्प कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूंगी। दी बहुत अच्छी है, दी आप मत रो, अब रोते हुए अच्छी नहीं लगती। पल पल हर एक पल सहमा है क्यों, हर लम्हा क्यों है डरा, चांद आसमान पे लगता है क्यों, खंजर है दिल में धरा। व्हाट्सअप गाइज, इट्स मी जानी मार्टिना। तो आज मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ना क्योंकि आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जोमैटो गर्ल वाली, जिसमें मतलब मैंने उस लड़की की हेल्प करी थी, तो उसका नाम दीक्षा है। आज ना वो मेरे से मिलने के लिए आने वाली है, पता नहीं मतलब उसे मुझसे क्यों मिलना है, या फिर से उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बस उसने कहा कि दी अगर आप फ्री हो तो मुझे मिल लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मुझे भी कुछ काम वाम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मिल लेते हैं। तो अभी गाइज वो आने वाली है, मैंने उसे लाइव लोकेशन भेज दिया है, वो आती होगी। तो वीडियो एंड तक देखिए, और मैंने सोचा कि जो भी है आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मेरी जो भी ऑडियंस है, कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे आसपास कैसे लोग हैं, जो भी हो। तो इसलिए मैंने परम से कहा कैमरा सेट कर देते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। A few moments later. लगता है कि दीक्षा आ गई है, तो उसका कॉल आ रहा है, तो देखते हैं क्या बात है। हेलो हेलो दी, कहाँ हैं आप? मैं तो जो लोकेशन दिया था ना वही रेस्टोरेंट के अंदर हूँ, मोती महल में। तुम कहाँ हो? अच्छा मैं आ चुकी हूँ। कहाँ? मोती महल। जी हाँ, तो रेस्टोरेंट के बाहर हूँ। अच्छा तो गेट के अंदर आ जाओ, मैं अंदर ही बैठी हूँ। ओके तो गाइस, तो वो आने वाली है, तो सब रेडी है ना, सब सेट है ना परम? ठीक है। हाय दी। हाय रिक्षा, कैसी हैं? बढ़िया, बैठो। दी आपके लिए मिठाई। अरे इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत थी ना दी, खा के बताओ कैसा है। अरे यार खाऊं, बहुत टेस्टी है। न्यू जॉब लगा है इसके लिए। न्यू जॉब लगा, ये कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, ठीक है? बहुत आगे बढ़ो तुम और तरक्की करो, सब आपकी वजह से है दी। अरे ऐसा मत बोलो तुम टैलेंटेड हो इसीलिए है, कहते हैं ना जो किस्मत में होता है वो मिल ही जाता है। आप थी तभी ना दी इतना कुछ हुआ, नहीं तो आप नहीं होती तो मुझे इतना अच्छा जॉब भी नहीं मिलता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम ये नहीं देखते हो गीता का ज्ञान नहीं पड़ा है, उसमें कहता है ना कर्म करते जाओ फल मिलेगा। ऐसा होता तो मुझे बहुत पहले ही सब मिल चुका होता ना। अरे नहीं, तुमने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, एक बात बताओ, मतलब हम लोग का मिलना लिखा था ना, तभी तो मिल गया किसी भी थ्रू, मतलब ऐसा था। मैं तो डेली उस रास्ते में मिलती थी, पर कभी तुम्हें देखा नहीं, उस दिन तुम मिल गई। उस दिन बहुत ज़्यादा अपसेट थी इसलिए परेशान होकर वहाँ बैठी थी। अच्छा और काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? काम बहुत अच्छा चल रहा है दी। काम पहले अच्छा से बहुत अच्छा है। घर पे बताया सबको? जी हाँ घर पे भी बताया, घर पे भी सब बहुत खुश हैं। ओके तो मतलब आगे का क्या प्लान है? आगे का कुछ नहीं, अभी तो अच्छा खासा जॉब चल रहा है, अभी करना है ये जॉब करना है जी। अच्छा एक बात बताओ दीक्षा, उस दिन भी मैं पूछना चाह रही थी बट मैं भूल गई, उस दिन जब तुम मतलब वहाँ पे बैठ के रो रही थी जोमैटो वाले कपड़ों में, तो मतलब उस दिन वहाँ पे जितने भी लोग थे, मैंने देखा वहाँ पे लोग थे और काफ़ी लोग आ जा भी रहे थे, काफ़ी गाड़ियाँ भी आ जा रही, तो किसी ने तुमसे बात करके पूछा नहीं कि अकेले क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो? मतलब वहाँ पे बस स्टॉप पे भी कुछ लोग थे ना दो तीन? नहीं दी, किसी ने नहीं पूछा, किसी को कुछ मतलब ही नहीं था मुझसे। मतलब किसी ने बात करके तुमसे नहीं पूछा क्या दिक्कत है, क्यों बैठी हो? जी नहीं दी, बस एक आप ही आए वहाँ पे, आप ही को थोड़ा लगा तो आपने आके पूछा, आपने मेरा अपना हेल्प किया, नहीं तो किसी को कोई मतलब नहीं था दी। मैं बहुत अच्छी हैं दी, आपने मेरे बहुत अच्छा किया है, मैं आपका थैंक यू भी करूँ तो फिर भी बहुत कम है वो। अरे यार ऐसा नहीं है, तब दी अब और बताइए आप, आपका कैसा चल रहा है? मेरा भी सब चल रहा है बस।
अच्छा ये बताओ क्या खाना ऑर्डर करो कुछ? आप देखो दी आपको क्या पसंद है, आज आपके पसंद का ऑर्डर करेंगे। अच्छा मेरे पसंद का? जी दी मैं तो वैसे खाना खा के आई हूँ, फिर भी देख लेती हूँ कुछ। भैया भाई आज भी शूट था तो मैंने सोचा पहले तुमसे मिल लेती हूँ फिर। सही है, तुम खुश हो मुझे बहुत अच्छा लगा, लास्ट टाइम तुमसे मिली तो तुम रो रही थी, आज इतनी खुश हो अच्छा लगा देख के। आपने बहुत अच्छे जगह पे मेरा जॉब लगाया, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं दी, ना कोई परेशान करता है ना कुछ करता है, यहाँ पे सब बहुत अच्छे, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं लोग वहाँ पे काम करते करते। हाँ जी दी, दी मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, जॉब करके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, नहीं तो जहाँ पे पहले काम करती थी वहाँ बहुत बड़े दलदल में मैं फंसी हुई थी दी, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता दी, आप बहुत अच्छी हैं, इतना अच्छा जॉब करवा दी दी, नहीं तो आजकल किसी के बारे में कोई नहीं सोचता है दी। दी आपने मुझे बहुत बड़े दलदल से निकाला है दी, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है दी। अरे ऐसा मत बोलो दीक्षा, मतलब मैंने उस दिन भी बताया था ना कि हमारा काम ही ऐसा सोशल वर्क करना, लोगों की हेल्प करना। आजकल की दुनिया में कहाँ दी कोई किसी के बारे में सोचता है कुछ भी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा जबकि मैं आपकी अपनी भी नहीं थी, फिर भी आपने मेरे बारे में इतना सोचा, आज की दुनिया में तो अपने भी अपने के बारे में इतना नहीं सोचते हैं दी। दीक्षा ऐसा मत बोलो कि मैं तुम्हारी अपनी, मैंने उस दिन नहीं कहा था ना। अरे तुम रो क्यों रही हो, पहले तुम रो मत। नहीं थी, ने मुझे बहुत बड़े दलदल से निकाला है, वहाँ के लोग कितना मुझे परेशान करते थे, यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं दी। अरे दीक्षा तुम रो मत। नहीं दी, बहुत अच्छी है दी, आपने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है दी। अरे कोई बात नहीं दीक्षा, देखो तुम मुझे अपनी बड़ी बहन जैसी समझो, ठीक है? मुझे मेरी कोई बहन भी नहीं है, और पता पहले तुम चुप हो जाओ ठीक है। दीक्षा रो मत, अब तो तुम खुश हो ना, अब तुम्हारी लाइफ कुछ और होगी ठीक है, पास्ट को याद मत करो। ये देखो ऑर्डर भी आ गया। हाँ मैं खा रही हूँ, तुम खाओ, ये लो पानी पियो। यार रोने की क्या बात है दीक्षा, देखो सबका पता है क्या, सबका एक टाइम होता है, बुरा टाइम होता है अच्छा टाइम होता है ठीक है, उससे मतलब इंसान जितना ठोकर खाता है ना लाइफ में उतना आगे बढ़ता है ठीक है। चलो पानी पियो पहले। रोना बंद करो और खाना खाओ ठीक है। और एक बात पता है क्या? जी दी बोलिए। वो देखो सामने मैंने कैमरा लगा के रखा है। क्या दी आप हमेशा कैमरा लगा के रखते हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा तुम मिलने आने वाली हो तो मतलब दी सबका क्या जरूरत है कैमरा का। तो लोग मतलब लोग जैसा वीडियो देख रहे थे ना तो काफी कमेंट्स भी आ रहे थे कि अगर उसे हेल्प की जरूरत है तो मतलब मैं करूंगा, मैं तो मतलब अभी मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ ना कि तो मतलब तुम्हें जॉब मिल गया, अब तुम खुश हो, सेटल हो चुकी हो लाइफ में, आगे और आगे बढ़ोगी, तो इस थ्रू मैंने सोचा मैसेज। अब मुझे क्या पता था कि मैडम आप रोने लगेंगी आके। पुराना टाइम याद आ गया था अपना, बस कोई बात नहीं, देखो तुम मुझे अपनी बहन की तरह समझो ठीक है। जी दी, तो चलो अब खा लो पहले ठीक है दी। आपकी वजह से भी इतना अच्छा जॉब मेरा लगा है, आपको कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो आप बताइएगा दी, मैं अभी आपको। अरे मेरी वजह से देखो यार, मतलब पता है दीक्षा किसी के वजह से कुछ नहीं होता, बस मैंने यही था कि मुझे पता था तुम टैलेंटेड थी इसीलिए तुम्हारा जॉब हुआ ठीक है। आपको मैं पहली बार देखी कि आप किसी के बारे में इतना हेल्प कर रहे हो, इतना ये कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो दी। ऐसे ही सब लोग अगर सबकी हेल्प करते रहे तो दुनिया बहुत आगे बढ़ेगा दी। पता है क्या दीक्षा, मैं मतलब सच अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ ना तो मतलब मैंने भी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं ठीक है, मतलब मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती हूँ इसीलिए मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ, मतलब तुमने जब बोला ना मुझे भी कुछ अपना याद आ गया,
तो मैं सच बताऊँ ना, मैंने भी लाइफ में बहुत धोखे खाए, मतलब जिस पे ट्रस्ट किया ना, मुझे लगा कि जो लोग मेरी हेल्प करेंगे तो मतलब उन लोगों ने नहीं कहा, मतलब होता ना जिससे एक्सपेक्टेशन होता है इंसान को, ठीक है, वो लोग ही पीछे हट गए, और मतलब जिन लोगों से नहीं था वो लोग आज के डेट में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने भी वही सोचा यार, मतलब क्योंकि मैं उस फेज से गुजरी हूँ ना, तो मैंने उसी टाइम पे सोचा कि मतलब कोई भी अगर किसी को भी किसी की हेल्प की ज़रूरत हो ना, अगर मुझे मतलब अगर मैं वहाँ पे रहूँ तो मैं मतलब जितना मेरे से हो पाए, ठीक है, अब मैं उस लेवल पे तो हूँ नहीं, मतलब यार जितना मेरा कॉन्टैक्ट या फिर तो अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मतलब दिल से मुझे करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यार उस टाइम पे जो इंसान अगर कोई मतलब इंसान में टैलेंट हो सब कुछ हो, बट अगर कोई हेल्प करने वाला ना हो ना, या फिर किसी के साथ कोई खड़ा ना हो, तो इंसान कुछ नहीं है। ये बात तुम मानते हो, अकेले तुम कुछ नहीं कर सकती हो, सबको टीम की सपोर्ट सिस्टम हर कुछ की जरूरत होती है लाइफ में। पल पल हर एक पल सहमा है क्यों, हर लम्हा क्यों है डरा, चांद आसमान पे लगता है क्यों, खंजर है दिल में धरा। पता है दीक्षा, मतलब मैंने लोगों की बहुत हेल्प की थी, लेकिन जब मेरा टाइम आया ना तो किसी ने हेल्प नहीं करी। दी कोई बात नहीं, अब हम दोनों बहनें हैं ना, आप मेरा हेल्प कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूंगी। दी बहुत अच्छी है दी, आप मत रो, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती, आप हंसते हुए अच्छी लगती हो, आप रो मत। चलिए दिखाइए। नहीं दी, बिल मैं पे करूंगी। अरे ये क्या है, नहीं दी, बिल मैं दूंगी। देखो एक तो दीदी भी बोलती हो, ऊपर से ये भी बोलती हो। बिल मैं दूंगी, दीजिए ना आप, छोड़िए। एक काम करो, जब तुम्हारी फर्स्ट सैलरी आएगी ना, तब मैं खुद तुमसे पार्टी लूंगी, ठीक है, अभी मुझे पेमेंट करने दो। ओके ओके दी, ठीक है फिर, ठीक है दी, चलते हैं दी। ओके, तुमसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, जब फ्री हो जाओ तो कभी मेरे से मिल लिया करो आके, ठीक है। आज इतने टाइम के बाद पता नहीं मुझे भी क्या हो गया, मैं भी इमोशनल हो गई। तो तुम भी खुश रहा करो, ठीक है, ऐसे इमोशनल मत रहा करो, मैं खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पे। आप हमेशा मेरे साथ रहना दी, आप कभी मत छोड़ना मुझे दी। अरे ऐसा मत बोलो, मैं हमेशा प्रॉमिस करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। एक सेकेंड, मैं तो भूल ही गई थी, सामने कैमरा भी लगा था। तो एंड तो करना होगा ना वीडियो को। तो गाइस देखा आपने, मैं आज दीक्षा से मिली और इसने क्या बताऊँ, सेंटी कर दिया सबको। तो गाइस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही बोलूँगी कि देखो आप लोग ना, मतलब कुछ मतलब मैं क्या बोलूँ, बस मैं इतना बोलूँगी ना कि आप लोग एक लेसन लो, ठीक है, और जल्दी किसी पे भरोसा मत करो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मतलब मैंने लाइफ में बहुत सारे लोगों पे भरोसा किया है, मतलब जो टाइम आने पे किसी ने भी साथ नहीं दिया, मतलब वो होता है ना, आप मतलब ही कह सकते हो लोगों को, कि मतलब जब खुद का मतलब निकल गया तो लोगों ने साथ छोड़ दिया, ऐसे लोग ही लाइफ में आपको मैक्सिमम मिलते हैं। लेकिन एक और अच्छी बात है मेरे लिए, अभी मैं जिस ग्रुप के साथ और अभी मेरे टीम मेंबर में जो भी है ना, सब लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं नाम भी लूँगी उन लोगों का, मतलब नाम के आप लोग जानते हो, परम है, मोहित है, सौरभ नागवंशी है, और भी कुछ लोग हैं जिन मतलब जिनको मेरे से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो गाइस पता है, मतलब निकालना तो वो पूरी दुनिया ही मतलब ही है, ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ हो गया, बट अगर बिना मतलब के किसी से किसी का अगर आप हेल्प करोगे ना, तो उसमें बहुत खुशी मिलेगी, लिटरली आप लोग करके देखना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दीक्षा आप दिखते रहेगी, मेरी बहन बन चुकी है। और गाइस सच में मेरी कोई बहन नहीं थी ना, तो मैं चाहती थी कि मुझे मतलब एक बहन मिल जाए। मैं अपनी मम्मा को हमेशा बोलती थी कि मतलब मुझे बहन चाहिए, तो अब मुझे दीक्षा मिल गई है, और क्या चाहिए, मुझे दी मिल गई है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय, चले।